ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल EBCL पेपर है। देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, या तो जो दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं या एक सिंगल मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट को देखना है जिनका बहुत मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 और न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने आज पेपर दिया और कल उनका EBCL पेपर है, ठीक है, तो उनके लिए शॉर्ट मैं एक बार 10-2 मिनट आपसे बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप EBCL में आप कैसे, अभी जो आपके हाथ में टाइम है, जो अभी प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हो, आप क्या करें। आपके पास इफेक्टिवली 10 आवर्स है, आज का 5 आवर्स, कल का 5 आवर्स, 5 to 5 10 इस, और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपके पास 5 आवर्स है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप कुछ नया मटेरियल नहीं पढ़ोगे, बिलीव मी। आपने जहां से पढ़ा है, जिस फैकल्टी की बुक से पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वही पढ़ोगे, नया नहीं करोगे। और अगर आपने कुछ समरी नोट्स बनाई है तो इतना पहले खत्म करोगे। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया तो इतना पढ़ लोगे, और अगर नहीं है तो आपके पास जो भी प्रिंटेड नोट्स मेरे रहेंगे या जो भी रहेगा वो पढ़ोगे, नया हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फेमा कॉन्ट्रा की जो लेंथी लॉज है, इसमें वन डे बिफोर पढ़ने में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत पढ़ के जाओ, बट यस, इसको आप लास्ट में रखो, क्योंकि बहुत समय लेगा। फेमा पढ़ने में 2-3 घंटा चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में 1 घंटा चला जाएगा। आप चाहे तो ये एक दो बड़े टॉपिक छोड़ते हुए बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, प्रोवाइडेड आपने फेमा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पहले पढ़ा है। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन लॉ एग्जाम में 25 मार्क का आता है, थरोली करके जाना है, बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना है, कॉम्पिटिशन लॉ बढ़िया प्रिपेयर करना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये जो इसका शॉर्ट मैराथन देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप फटाफट 1.5 आवर 2 आवर में शॉर्ट मैराथन देख सकते हो अगर आपको है। जिन बच्चों ने मैराथन बिल्कुल देखा नहीं है, मतलब मैंने मैराथन अपलोड किया और बिल्कुल भी देखा नहीं है, तो अभी भी राइट टाइम है। अगर आप फास्ट स्पीड में देख लो, कुछ कुछ टॉपिक जो आपको लग रहा है रिवाइज करना है, वो मैराथन के साथ फास्ट स्पीड में देखना, 1.5x, 2x की स्पीड में आप देख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया है उनको फिर देखने की जरूरत नहीं है। मैराथन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आएगा। और अगर मैं बात करूंगा, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, जैसे एक सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट EBCL, बच्चे डर जाते हैं, आपका 100% प्रिपरेशन नहीं भी हुआ रहेगा, आपके एग्जाम 2 बजे से, अगर मैं बोल रहा हूँ 1:30 तक भी प्रिपेयर नहीं हुआ रहेगा, जितना प्रिपेयर हुआ है बिलीव इन योर सेल्फ और एग्जाम देना है। 100% वन डे बिफोर पढ़ाई कभी नहीं होती है, ट्राई करो, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने बिल्कुल भी, ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 100% कंप्लीशन हो, ऐसा नहीं होगा। मेरा खुद का, जैसे मुझे याद है CA में ऑडिट पेपर, ऑडिट पेपर मेरा, मैं डर गया था कि इतने सारे चैप्टर्स हैं और मैं सिर्फ 7-8 चैप्टर 10 चैप्टर रिवाइज करके गया हूँ। डोंट वरी, आपका प्रिपरेशन एक दिन का नहीं है, आपका प्रिपरेशन पिछले 6 मंथ्स या उससे ज्यादा का है। तो आपने मेरी बात मानना कि अगर आपका वन डे बिफोर अभी से लेकर कल दोपहर तक, कल आफ्टरनून तक पूरा नहीं भी हुआ, तो आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको एग्जाम देना है। तो आपके पास इफेक्टिवली 10 to 12 आवर्स है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जिन्होंने मैराथन वॉच नहीं किया, फास्ट स्पीड पे देख लो, अगर आपको जो टॉपिक चाहिए वो देखना, सारा नहीं देखना। जिनके पास रेगुलर नोट्स है वही पढ़ेंगे, जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाए वही पढ़ेंगे। बड़े टॉपिक्स पर आप एक दो टॉपिक बड़े साइड में रखते हुए सामने छोटे 4-5 टॉपिक कवर कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसका मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको जरूरत पड़ रही तो देखो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद पैनिक नहीं करना है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जल्दी SBC के लिए वीडियो लाऊंगा और आपको बेस्ट विशेस देता हूँ फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।